नमस्कार, एनबीसी न्यूज की खास पेशकश खास मुलाकात में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, एनबीसी न्यूज और गोपाल परिवार फाउंडेशन के तत्वावधान से जो अभियान चलाया जा रहा है सारथी, उस सारथी अभियान के तहत जो है ड्राइवर्स के प्रश्नों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रहलाद अग्रवाल, जो कि गोपाल परिवार फाउंडेशन के संचालक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रहलाद जी हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहला सवाल आज आया है इस कड़ी में कि किस प्रकार से जो है आज जो है ड्राइवर्स की शॉर्टेज काफी मात्रा में देखी जा रही है, उसे किस प्रकार से नियोजित करना चाहिए, उस पर क्या उपाय है, क्या बताना चाहेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि ये काम सरकार की सहयोग और पब्लिक के सहयोग और गरीब किसानों के गांव-गांव जाकर गरीब किसानों को, हमको जो उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, जो नहीं कर रहे पाए, उनको सारथी बनाया जाए। अगर उनको सारथी बनाया जाए, और एक इसका दूसरा रास्ता और भी है कि अगर सरकार चाहे तो जैसे विदेशों में है कि 12वीं का बच्चा वहाँ लाइट कॉमर्शियल का ड्राइवर बन के निकलता है, अगर लाइट कॉमर्शियल का ड्राइवर हो तो उसको सारथी बनाना बहुत, वैसे तो वो सारथी है पर उसको बड़ा सारथी, ट्रक का सारथी बनाना बहुत ईजी हो जाता है। अगर ये सरकार इसमें आम तकलीफों को देखते हुए सरकार इसमें सहयोग दे तो ये थोड़ा और काम इजी हो जाएगा। और वैसे गोपाल परिवार फाउंडेशन इस पे लगा हुआ है और आम पब्लिक को जागरूक कर रहा है कि बेकार घूमने से या 5-10 हज़ार की नौकरी, 15 हज़ार की नौकरी ढूंढने की बजाय आप सारथी बनिए, क्योंकि सारथी की सैलरी, अगर अच्छा सारथी बन जाता है तो 30 हज़ार मिनिमम होती है और ऊपर की लिमिट कोई नहीं है, और उसमें ग्रोथ भी के भी चांस अच्छे हैं, क्योंकि अगर वो, उसको ये लगता है कि मैं अपनी गाड़ी लेके चलाऊं तो शायद वो ऐसी एक मेरे पास स्टोरी है कि मेरे से एक गाड़ी लेके ये किसी ने, आज वो कम से कम भी 10 से 15 गाड़ी का मालिक है, तो इसमें ग्रोथ के चांस भी अच्छे हैं। देखा जाए तो कई बार जो है चेक पोस्ट पर अनलीगल वसूली होती है, उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार से इसका प्रबंधन करना चाहिए, आपको क्या लगता है? इसमें भी फिर सरकार का हाथ आ जाता है कि सरकार को, हमको हर न्यूज, जहां मान लो महाराष्ट्र में अगर ऐसा है तो महाराष्ट्र के नीचे से लेके ऊपर सरकार को हमको जागरूक करना चाहिए, उनको भेजना चाहिए, और जो सही सारथी हैं उनको अपने पेपर वगैरह ये सब चेक करना चाहिए और किसी अच्छी संस्था से जुड़ के उनको अपनी हेल्प मांगनी चाहिए, जिससे कि जैसे ये चीज़ें, अगर आपके पेपर सही हैं और आपकी गाड़ी में माल सही लदा है तो उसके चारों तरफ से फ़ोटो खींच के आप उस संस्था को भेजिए, वो संस्था उस आरटीओ से बात करवाने की कोशिश कीजिए, बात नहीं करेंगे तो उस संस्था से सहयोग लीजिए कि वो वहाँ पहुँचे। और हमारी संस्था ने ऐसा सहयोग दिया है जिसके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं, और जो गंदी आदतें ऑफिसरों को डाल दी गई है उनको अब रिक्वेस्ट की जाती है कि सर जो नॉमिनल पैसा आपको सारथी भाई दे के जाता है उससे ज़्यादा उससे मांगने की इच्छा नहीं रखिए, क्योंकि इस धंधे की बहुत बैड शेप है। देखा जाए तो पिछले बार भी ये सवाल मैंने किया था और आपने इस पर जवाब भी दिया था, जिस प्रकार से सारथी भाई जहाँ स्टॉप पॉइंट पर रुकते हैं उस पर आपने पिछले बार जवाब दिया था कि किस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि किस प्रकार का अपग्रेडेशन जो है उनके स्टॉपेज पॉइंट पे होना चाहिए, आपको क्या लगता है? मैंने 2-4-3-5 ढाबों पे होल्ड करके मैंने वहाँ खाना भी खा के देखा है। मैंने उन ढाबे वालों से रिक्वेस्ट की कि भाई आप सारथी भाई को कम से कम कितना और आपके वहाँ कितनी गाड़ियाँ खड़ी रहने की सहूलियत है, और उस पर ये अभियान वगैरह मैं कोशिश करता हूँ कि हम सारथी भाइयों से चलाएं, क्योंकि सारथी भाइयों को तो रोज जाना पड़ता है ढाबों पे, वो जाके उनसे कहे कि भाई आप हम लोगों की सेवा कितने कम से कम कर सकते हैं, हमारी गाड़ी की सेफ्टी कितनी कैसे अच्छी देख सकते हैं। और एक दूसरा विचार मेरे मन में आया है कि जो अच्छे सारथी भाई जुड़ते हैं, आज लेडीज और जेंट्स दोनों को काम करने से ही अच्छा गृहस्थी चलती है, तो मेरी इच्छा है कि सारथी भाइयों की जगह लेके सारथी भाइयों को दे दी जाए और उनको, उनकी 2-3 बहनें वहाँ वो ढाबा चलाएं, जिससे कि वो सारथी भाई जाने आने को भी रुके, उनको घर में भी रहने को नाइट में मिले, इस तरह की फैसिलिटियाँ अगर खड़ी की जाएं तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सोल्व हो सकती है।
देखा जाए तो वाहनों के लोडिंग पॉइंट्स पे भी काफी समस्याएं अभी प्रतीत हो रही है, उसे किस प्रकार से नियोजित करना चाहिए, क्या कहते हैं आप और क्या कहना है आपका इसमें? मेरा कहना ये है कि जो सारथी भाई गाड़ी भरने जाता है या जो कंपनी उसको गाड़ी भरने भेजती है, पहले तो जो माल वो लोड करने जाता है वो उस गाड़ी में बराबर बैठेगा नहीं बैठेगा, दूसरा वो वहाँ सारथी भाई के लिए बैठने की जगह या वॉशरूम जाने की जगह है कि नहीं, ये सारी फैसिलिटियाँ अब आने वाले समय में सारथी भाइयों के लिए जहाँ भी वो माल लोड करने जाता है होनी चाहिए। और इसमें सरकार का दखल भी होना चाहिए कि भाई जब आप इतना बड़ा काम करते हैं, इतना बड़ा सब चलाते हैं, तो सारथी भाइयों के लिए वो ये फैसिलिटी आपको खड़ी करके देनी चाहिए। हर बार जो है सारथी अभियान द्वारा ड्राइवर्स की समस्याओं को यहाँ सुलझाया जाता है, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि उनका जीवन मान ऊंचीकृत करने के लिए किस प्रकार से जो है सारथी अभियान के तहत प्रयास किया जा रहा है? इसमें मेरा मानना है कि वैसे तो देखा जाए तो हम सब सारथी हैं, कोई क्योंकि कोई टू व्हीलर चलाता है, कोई थ्री व्हीलर चलाता है, कोई फोर व्हीलर चलाता है, कोई हर आदमी सारथी है और सारथी के बगैर हमारा चल भी नहीं सकता। तो सारथी का जीवन अगर इसमें रह गया, जो टैक्सी ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर हैं उनका जीवन कैसे ऊपर उठाया जाए, तो ये मैं मानता हूँ कि मोरल हम सबकी ड्यूटी है जो भी। और इसमें अभी मैंने एक अच्छा सोचा है कि जो हमारे साथ जुड़ेगा, मेरी संस्था के साथ जुड़ेगा, उनको मैं सच्चा सारथी शिव सैनिक बनाने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि शिव एक ऐसा हमारे वहाँ देवता हुआ है जो किसी से मांगता नहीं, देता ही देता है, हमेशा आशीर्वाद देता है या जो भी वरदान देता है। तो मेरी इच्छा है कि हमको सच्चा सारथी शिव सैनिक बनाने का अभियान जोरों शोरों से चलाना चाहिए। देखा जाए तो शहर में जो है रास्तों की मरम्मत चल रही है और इस मरम्मत के चलते कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं और इस एक्सीडेंट्स में कई बार जो है ड्राइवर्स हताहत होते हैं, उनको कई बार उनको जान भी गंवानी पड़ती है, तो इस पर किस प्रकार से संज्ञान लिया जाएगा सारथी जो है अभियान के तहत? इसमें मैंने पीछे डिक्लेयर किया था कि जो मेरी संस्था से जुड़े हुए सारथी होंगे उनको अगर सारथी मतलब ट्रक ड्राइवर का कोई हादसा होता है और वो हमारी संस्था से जुड़ा और उसका ध्यान तो हो जाता है, तो उसके परिवार को इंश्योरेंस वगैरह की सब हेल्प तो दिलवाई ही जाएगी, पर इमीडिएट 25,000 रुपया उसको इसलिए दिया जाएगा कि उसके परिवार को उसकी बॉडी डिस्पोज ऑफ उसकी बॉडी ले जाने में और किसी चीज में तकलीफ नहीं पड़े। सरकार को किस प्रकार से इन्वॉल्व करेगी इस पूरी यंत्रणा में? सरकार को इन्वॉल्व होना चाहिए, कारण कि देखा जाए तो सारथी की वजह से सरकार को बेहिसाब टैक्स मिलता है। एक ट्रक पे मेरे हिसाब से उसको ज़्यादा नहीं तो साल में कम से कम भी 10-15 लाख रुपए की इनकम है, वो माल ढोता है उस पर है, मतलब बहुत सारे हैं, गाड़ी का टैक्स है और है। तो उनको सबको देखते हुए सरकार को भी डिक्लेयर करना चाहिए कि जिस तरह फौजी के लिए उन्होंने डिक्लेयर किया, सारथी के लिए भी डिक्लेयर किया जाना चाहिए कि जो ट्रक का सारथी अगर जाएगा तो उसको सरकार इमीडिएट ये सहायता देगी और इसके लिए हमारी संस्था प्रयत्न करेगी। दर्शकों, जिस प्रकार से हमने प्रहलाद अग्रवाल जी से बात की, सारथी अभियान के तहत जो है ड्राइवर्स के काफी प्रश्न सुलझाए जा रहे हैं, मतलब काफी प्रश्नों को जो है सुलझाने में मार्गक्रमण जो है सारथी अभियान के तहत किया जा रहा है। गोपाल परिवार फाउंडेशन एवं इनविजन न्यूज के संयुक्त तत्वावधान से जो है काफी प्रश्न अभी तक सॉल्व किए गए हैं, काफी प्रश्नों के उत्तर अभी तक दिए गए हैं और काफी प्रश्न आगे भी आएंगे। इन सभी सवालों के साथ जुड़ते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं था मनीष टिमरे और हमारे साथ थे प्रहलाद अग्रवाल। नमस्कार।